ऐसे पटाखे जो फूटते नहीं है, उगते हैं, वो लोगों तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीज कैसे पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी तक कैसे जोड़ पाए लोगों को, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है। ग्रामार्ट प्रोजेक्ट यांनी एक अनोखा उपक्रम हाती घेतलाय। ग्रामार्ट प्रोजेक्ट हे काही युवकांनी सुरू केलेले असून कलेचा नीट वापर करून गावातील महिलांना काम शिकवले जाते, त्यांचे सक्षमीकरण केले जाते। दिवाळी आली की फटाक्यांचे भयानक स्वरूप समोर येते, त्याकरताच ग्रामार्ट प्रोजेक्टने बीज फटाके बनवले आहे। ग्रामार्ट प्रोजेक्ट गावातील विविध समस्या सोडवण्याकरता तसेच पर्यावरण संरक्षणाकरता कसे कार्य करते हे आपण त्यांच्याचकडून ऐकूयात। हम लोग यहाँ पे पिछले 7 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हम लोग पारट सिंगा गाँव में बेस्ड है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है, नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग यहाँ पे पिछले 7 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि खेत में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर पाए और जो कुछ भी हम लोग उगाते हैं उसका हम लोग प्रोसेसिंग कर पाए। हम लोग यहाँ पे देसी कपास भी उगाते हैं और देसी कपास के चरखों पे धागे बनाकर उसका उसके ऊपर नेचुरल रंग की रंगाई कर कर उसको घर घर में हम लोग राखी बनाने के लिए देते हैं। औरतें अपने घर घर में राखियाँ बनाती हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पेपर भी रिसाइकल करते हैं और उसका बीज पेपर बनाते हैं, बीज कैलेंडर बनाते हैं। पूरा का पूरा वेस्ट पेपर हम लोग बाहर से लेकर आते हैं और सब काम यहाँ पर हाथों से ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम इस्तेमाल होता है, सिर्फ पेपर पीसने में ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी औरतों को हाथ काम आता है, धागे का और बाकी और भी कलाएँ हैं सबके हाथ में मिलकर। केमिकल खेती को लेकर हमारे जो बीज बचाने की आदत छूटती जा रही है, क्योंकि सब कुछ मार्केट से ही मिल जाता है सारे बीज, तो उसको लेकर, और इसीलिए हम लोग पिछले 7 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं जिसमें हम खुद के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग ऐसे खेती के तरफ जाए जहाँ पर ज़मीन को ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत ना हो और हमारी ज़रूरतें जो है वो 1-2 या 6 महीने की फसलों पे ही ना निर्भर रहे। तो हम पेड़ों से अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं जिसमें हमें ज़मीन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इस और हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक छोटा सा बीज बैंक भी बनाया है जहाँ पे कुछ खाने के या कुछ बड़े पेड़ों के ऐसे बीज है जो आसपास के जंगलों से या आसपास के घरों से या किसानों से सोर्स किए गए हैं। ऐसे पटाखे जो फूटते नहीं है, उगते हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने पटाखे बनाना शुरू किया। हम लोगों ने ये सारे के सारे वेस्ट पेपर से बनाए, उसको रिसाइकल करके बनाए और हमारी टीम सिर्फ औरतों की टीम है। 95% हम लोग जो पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं उसमें सारी महिलाएं ही है, चाहे वो बीज बचाने का काम है, चाहे वो जैविक खेती का काम है, चाहे वो राखियों के धागे बनाना हो या उससे घर घर में अलग अलग तरीक़ों से राखी बनाना हो या वो पटाखे बनाना हो। तो ये जो पटाखे हैं ये पारट सिंगा और आसपास के 7 गांव में बने हुए हैं। 7 गांव में 100 महिलाएं हैं जिन्होंने पटाखे अपने अपने घर में बनाए हैं। ये सारी महिलाएं या तो किसान हैं या खेती में मजदूरी करते हैं या तो फिर स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां जो कॉलेज में जाती है, स्कूल में जाती है, या तो फिर हाउसवाइफ्स है। तो औरतें जब खेती के काम से या घर के काम से समय निकाल पाती है जब, तभी वो अपने घरों में बैठ के पटाखे बनाती हैं और घर में उनके बच्चे, उनके पति और बाकी के घर के लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी 6 साल हो चुके हैं काम करते करते, तो बाकी सारे लोग भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं और कुछ ना कुछ इससे उनका खर्चा भी निकलता है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रेट लाइन वैरायटी के बीज है, इसके अंदर ये हाइब्रिड नहीं है, तो आप घर में भी इसे लगा कर उगा कर इसके खुद बीज जमा कर सकते हो और हर साल आप खुद के बीज भी, खुद का घर का थोड़ा बहुत खाना भी आप खुद से सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद। माझे नाव रोशनी नारनवरे बावने आहे। मी ग्रामार्ट प्रोजेक्ट मध्ये काम करते। बीज मधून आणि फटाके आणखी कसे बनवायचे, नवीन नवीन आयडियाज कसे क्रिएट होणार, सगळ्यात पहिले आम्ही बीज पात्र मध्ये काम केलं, त्याच्यामध्ये बीज पेपर बीज बनवले, पेपरमध्ये बीज टाकून पेपर बनविले, त्यानंतर सीड बँड बनविले काही, त्यामध्ये सीड टाकून बँड्स बनविले, राखी, फ्रेंडशिप डे असे काही बँड्स बनविले। त्यानंतर ही आयडिया आली की फटाके पण बनवायचे, बीज फटाके हे कुठेच नाही आहे,
तर बीज फटाके ची सुरुवात केली आम्ही लोक। याच्या आधी मी अंगणवाडीमध्ये काम करत होती, त्याच्यासोबत सोबत पार्ट टाइम म्हणून हे पण काम करत आहे। याच्यामध्ये मला मंथली 2000-3000 मिळून जातात, काफी सहायता होते। आमच्यासोबत अनेक लोक काम करत आहे, त्यांची पण दिवाळी साजरी होईल की त्यांना काम मिळत आहे, आणि जे खरेदी करतील त्यांना एक नवीन नवीन प्रकारचे बीजेस मिळून नवीन नवीन झाडे भाजीपाला वगैरे आणखी मोठी मोठी झाडे ते मिळणार त्यांना, आणि पर्यावरणाला पण सपोर्ट होईल। नमस्ते, मैं गीता केसकर, हैरी टाइगाव सौसर से हूँ। मैं पिछले 6 सालों से ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट में हिस्सा हूँ। ग्राम आर्ट प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं जो प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे कुछ हद तक कम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग ऐसे पटाखों का निर्माण किया है जिस प्रतिदिन में बारूद का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है। इन फटाकों में हमने बीजों का इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के बीजों का इस्तेमाल हुआ है। इन बीजों में बारूद न होने के कारण इसमें प्रदूषण नहीं होता है। इस और इन फटाकों को आप अगर जमीन में गाड़ते हैं इनमें से पौधों का निर्माण होगा जो कि बहुत ही अच्छा है प्रकृति के लिए। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें और ऐसे पटाखों का यूज करें जिससे हमारी प्रकृति में प्रदूषण ना हो। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कुछ हद तक तो हम ये प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें एक फायदा ये भी है कि आप जो पटाखे बना रहे हैं उससे एक तो प्रकृति का प्रदूषण भी कम हो रहा है और उससे आपके जो समय का सदुपयोग होता है, जो आप काम करते हैं उसका आपका मेहनताना मिलता है, उन पैसों से आप अपने घर पे अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें सहयोग दे सकते हैं अपने परिवार में। तो मैं चाहती हूँ यही आपसे सबसे निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे पटाखों का यूज कीजिए जिससे प्रकृति का पर्यावरण अच्छा हो, शुद्ध हो। इसी के साथ मैं आप सबको मेरा नमस्ते, धन्यवाद। मेरा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना ही यही मेरा एक मकसद है। मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि मुझे पटाखे कैसे बनाते हैं मुझे ये सारी चीज़ें का कुछ भी आइडिया नहीं था, बट मैं जब इससे जुड़ी तो मुझे पता चला कि इसको इसमें इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं और हाँ मुझे इनकम में भी बहुत कुछ मदद मिली। हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मुझे इस कला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें मुझे पता चले, तो मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ के मुझे सब कुछ पता चला। घर चलाने में तो नहीं बोलूँगी बट मुझे आप खुद का पर्सनली भी बहुत कुछ मदद मिली और एजुकेशन में भी बहुत कुछ थोड़ा बहुत मैंने बहुत करने की कोशिश की। हमारा इसमें एक लक्ष्य है कि पर्यावरण प्रदूषण को हम बचा सके, तो हम चाहते हैं कि आप भी जुड़िए और बीज बोइए और बीज गाइए।